नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे भाई बहरीन से रिलेटेड। हालांकि बहरीन के इतना तो लोग नहीं रहते, लेकिन फिर भी मेरी इन्फॉर्मेशन मेरी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हर कंट्री का वीडियो बनाता हूँ। लोग तो एक कंट्री के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो बंदा है जहाँ, उनको थोड़ी बहुत सही जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो साथियों, बात करते हैं बहरीन से रिलेटेड। तो भाई फर्स्ट में बताइए, कोरोना से रिलेटेड हम बात करेंगे, बहरीन में कोरोना की क्या स्थिति है। तो बहरीन में मेरे हिसाब से कंट्री बहुत छोटी है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। 2000 प्लस अभी तक वहां पे पॉजिटिव हुए हैं, ज्यादा केस नहीं है, डेथ भी बहुत कम है, 8-9 डेथ अभी तक हुई हैं पूरी टोटल ही। उसमें से भी 1000 प्लस से रिकवर ज्यादा बंदे हो चुके हैं, यानी बहुत बेस्ट है। 2000 प्लस पूरे पॉजिटिव, उसमें से 1000 हो चुके हैं, तो अच्छी न्यूज है फिलहाल बहरीन से रिलेटेड। और भाई लोग बताते हैं बहरीन की सरकार भी बहुत बेस्ट है, कंट्री छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, लेकिन वो अपने लोगों का, गैर मुल्की लोगों का भी इतना ज्यादा ध्यान रखती है कि वहां के लोग बड़े खुश हैं। काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने कमेंट भी देखे थे और भी मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो लोग संतुष्ट नज़र आए बहरीन गवर्नमेंट से। तो आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या सहूलियत वहाँ के लोगों को और आपके लिए दी है। फर्स्ट बात करें टैक्सी ड्राइवर से रिलेटेड। तो साथियों, जो भी टैक्सी ड्राइवर आप बहरीन में हैं, आप ड्राइवरी करते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए राहत पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ राहत पैकेज यानी आपको पैसा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी फैमिली और आप अपने आप को संभाल सको। तो ये ड्राइवर से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक दो दिन के अंदर की ये न्यूज़ है, मैं आप लोगों के साथ आज ये बातें शेयर कर रहा हूँ। दूसरी न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने साथियों फ्री ऑप्शन दिया है कि आपके किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी है, तो आप अपने हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल जाएं, वहां जाके अपना चेकअप कराएं। बिल्कुल हेल्थ चेकअप बिल्कुल फ्री है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपका इलाज होगा। अगर नहीं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल करता है, तो आप वहां पे शिकायत कर सकते हैं आपकी फ्री इलाज के लिए। तो ये भी बहुत बेस्ट न्यूज है मेरे हिसाब से कि बंदों के पास इस घड़ी में कोई बीमार हो जाता है, पैसा नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है साथियों, ये भी तीन नंबर पॉइंट पे बात करेंगे साथियों कि वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए देखिए फ्री वो फूड फ्री कर दिया, यानी भोजन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलेगा। अगर आपके पास खाने का नहीं है तो बिल्कुल फ्री मिलेगा। पानी का बिल माफ़ कर दिया गया 3 महीने के लिए, बिजली का बिल माफ़ कर दिया गया 3 महीने के लिए। ठीक है साथियों, सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपकी मिलेगी बहरीन में, आपको पता होगा गवर्नमेंट देगी कंपनियों को, कंपनियों के अकाउंट में डालेगी, कंपनी फिर आपको देगी, ये प्रोसेस वहाँ की गवर्नमेंट ने बताया है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है यार कि आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अपने फंड में से आपको सैलरी देने जा रही है। तो बहरीन सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद इस बात के लिए कि जो वर्कर हैं उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखी है। ये सैलरी किनको मिलेगी भाई? ज़्यादातर जो गैर मुल्की हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, एशिया के लोग भी हैं और भी बाहर कंट्री के लोग हैं, उनको बेस्ट न्यूज़ है मेरे हिसाब से, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आगे बात करते हैं साथियों वीज़ा से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं वीज़ा, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपको पता होगा साथियों वहाँ की गवर्नमेंट ने जितना वीज़ा रिन्यू की फ़ीस थी उसका 3 गुना कम कर दिया गया है इस महामारी के दौरान। तो कितनी अच्छी बात है यार, 3 गुना कम, यानी अगर आपका 100 रुपये लग रहा था तो 3 गुना यानी 30-32 रुपये कर दिया। तो कितना आपको अच्छी गवर्नमेंट ने सहूलियत दी आप लोगों के लिए, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए बेस्ट न्यूज़ रहेगी। आगे बात करते हैं साथियों टिकट से रिलेटेड। अब आप लोग कमेंट करोगे, इससे पहले बता दो भाई टिकट 3 मई तक का कोई ऑप्शन नहीं है, कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी आप कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, इंडिया में 3 मई से पहले कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी स्थिति आपको पता होना चाहिए, जब 22 अप्रैल से पहले लॉकडाउन, 22 मार्च से पहले जो लॉकडाउन नहीं था, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रियों से रिकवर किए थे बंदे, लेकिन अभी मजबूरी है नहीं कर सकती। 3 तारीख को जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है या आगे भी बढ़ता है, तो 100% गवर्नमेंट जो विदेश में कारीगर हैं, कामगार हैं, उनके लिए सहूलियत करेगी, कुछ न कुछ 100% आपके लिए पॉजिटिव आएगा 4 मई से रिलेटेड। तो मेरे हिसाब से जानकारी साथियों आपको बहरीन से रिलेटेड मैंने दी, आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।